तो डूड ऐसे तो आपने जयपुर के काफी डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में खाना खाया होगा, वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट एम्बियंस के साथ। सो हेलो, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जयपुर जोटर, आ चुका हूं आपके लिए जयपुर से एक और शानदार वीडियो लेके। और आज मैं आया हूं जयपुर के एकमात्र ट्रेन रेस्टोरेंट में, और यहां पे जो है खाना आपको ट्रेन के द्वारा सर्व किया जाता है। तो डूड अभी आ चुका हूं मैं जयपुर के एकमात्र ट्रेन रेस्टोरेंट में, और इस रेस्टोरेंट का नेम है वेजिट्रेनियन। इसका नाम वेजिटेरियन नहीं है, इस रेस्टोरेंट का नेम है वेजिट्रेनियन, मतलब समझ रहे हो आप, वेजिट्रेनियन। समझ रहे हो आप। तो अभी क्या करने वाले हैं, अपन अंदर चलने वाले हैं और मैं आपको पूरा इधर का एम्बियंस टूर देने वाला हूँ, कितना अच्छा यहाँ का एम्बियंस बना रखा है और ट्रेन से कैसे ये खाना सर्व करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और साथ में मिलके एक्सप्लोर करते हैं। तो डूड ये है इधर बाहर का एरिया, और आप लोग देख सकते हो इन्होंने जो ऊपर ही जो टॉप पे लगा रखा है, जंक्शन लगा रखा है, जयपुर जंक्शन, फिर उसके बाद वैशाली नगर, जोधपुर जंक्शन, कोटा नगर, और बीच में है जो इनका लोगो वेजिटेरियन का। और अपन एंट्री लेते हैं अब, और ये है इधर का अंदर का कुछ एम्बियंस। और अभी जो है दिन के 3 बज रहे हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है अभी धूप में कोई नहीं है, थोड़ी देर पहले तो जो लोग चले गए हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ से जो है ये स्टार्ट हो रहा है मेरे चारों तरफ, और इसमें जो लगभग 20 टेबल है, और यहाँ पे लोग कम से कम 125 के आसपास आराम से बैठ सकते हैं, अच्छे से सीटिंग कर सकते हैं और ऑर्डर करके खा सकते हैं। और मेन्यू अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की प्राइसेस क्या है, और साथ में अपन भी ऑर्डर करेंगे और देखते हैं ट्रेन से कैसे यहाँ पे खाना सर्व करा जाता है। जो है अभी कोई भी नहीं है क्योंकि दिन का टाइम है 3 बजे, और इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेक श्योर आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके जाए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाए। और ये जो है ये एक टेबल है यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है ये पटरी बनाई हुई है, इस पटरी पे से यहाँ से ट्रेन आती है अंदर से, इधर से आके ट्रेन आके यहाँ पे रुकती है, और देन उसके बाद आप यहाँ से अपना जो अपनी प्लेट में सर्व कर सकते हो ट्रेन में से खाना लेके। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे यहाँ पे सर्व करा जाता है खाना ट्रेन में, और कैसे आप लोग ले सकते हो। और एक चीज़ जो मेरे को सबसे क्यूट लगी यहाँ पे वो ये है, यहाँ पे जो है छोटे छोटे स्टेशन के नेम दिए, जैसे यहाँ देख सकते हो अब ये सूरत स्टेशन, ऐसे यहाँ पे इंडिया के लगभग सारे स्टेशन दे रखे हैं, अलग अलग टेबल पे अलग अलग स्टेशन का नेम दे रखा है, सूरत, मुंबई, जोधपुर, जितने भी हैं यहाँ पे, मतलब जो कॉमन जो मेन स्टेशन है उन सब के यहाँ पे नेम दे रखे हैं अलग अलग टाइप के। तो ये चीज़ मेरे को सबसे क्यूट लगी यहाँ पे, मतलब छोटा सा देखो आप ऐसा स्टेशन बना रखा है, यहाँ से जो है ट्रेन निकलती है और ट्रेन निकल के सीधे जो है अपनी टेबल पे आती है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ट्रेन यहाँ पे कैसे सर्व करती है खाना। ये देखो यहाँ पे कितने सारे स्टेशन, ये है भोपाल, कोटा, चेन्नई, कल्याण, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन दे रखे हैं, अलग अलग टेबल पे अलग अलग स्टेशन बना हुआ है ट्रेन के लिए, जिससे ट्रेन वहाँ पे जाके रुक जाए। तो डूड अभी जो है मैं बैठ चुका हूँ, और मैंने जो सबसे फर्स्ट टेबल लिए जो सेंटर टेबल है यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है पटरी बनाई हुई है, और वहाँ से जो है अभी अपनी ट्रेन आएगी अपना फूड लेके, और आप लोगों को जो मैं टेस्ट करके बताऊँगा। बाकी मैं जो एम्बियंस पे रेटिंग देना चाहूँगा वो एज अ रेस्टोरेंट एम्बियंस जो है लगभग 4.5 है रेटिंग देना चाहूँगा, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है ट्रेन का कि ट्रेन से आपको फूड सर्व किया जाएगा उसके लिए तो मतलब जितनी रेटिंग मैं देना चाहूँगा ना उतनी कम है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है मैं ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा ट्रेन जहाँ पे सर्व कर रहे हैं। नॉर्मली सब अपना जो वेटर्स वगैरह आते हैं वो भी सर्व करते हैं, बट यहाँ पे जो है ट्रेन से आपको खाना सर्व किया जाएगा। अभी जो है हमारी ट्रेन आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो ये आ चुका है हमारा फूड, और ये आ गई हमारी ट्रेन, ये आ गया हमारा ट्रेन में खाना। तो डूड आ चुकी है हमारी ट्रेन, और आप लोग देख सकते हो ये है ट्रेन, और ये सीधे वहाँ से किचन में से आई है पीछे से चलते हुए मस्त पटरी पे, और साथ में जो है हमारा फूड लेके आ चुकी है। यहाँ का जो है कॉन्सेप्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ट्रेन से आएगा हमारा खाना, ये देखो इधर का इंजन है इसका, और पीछे जो है ये मालगाड़ी जैसी होती है उसको ऊपर से खाली कर दिया, और उसमें जो है यहाँ पे फूड रख के सर्व होता है, और इसका इंजन देखो कितना कूल है। बस एक चीज़ की कमी, अगर इसमें से धुआं भी निकल जाता ना तो भाई साहब मज़ा आ जाता, बिल्कुल रियल वाली फील आ जाती भाई अगर इसमें से धुआं भी निकल जाता। बोल के जाऊँगा मैं मैनेजर को यहाँ पर कि एक बार ट्राई करें कि यहाँ से जो है स्मोक भी निकले तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो आप फूड ट्राई करते हैं और आप लोगों को जो है फूड का भी टेस्ट बताते हैं। तो ये इधर का फूड जो है काफ़ी कूल लग रहा है मेरे को, तो इसको टेस्ट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितना ये ज़्यादा टेस्टी है। और साथ में जो है चटनी लेते हैं अपन। नाइस यार, फूड तो काफ़ी टेस्टी यार,
तो इस डिश का नेम है अरबरा कबाब और इसकी जो प्राइस लगभग होने वाली है 290 प्लस GST। तो ये तो हमने जो स्टार्टर्स मंगवाए थे, अगर आपको लंच करना है या डिनर करना है तो आप वो भी मंगवा सकते हो। मेन कोर्स वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सारे बेवरेजेस मिल जाएंगे और साथ में मेन कोर्स और स्टार्टर्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी जो बेसिक होती है। नाइस, बहुत टेस्टी है। वीडियो अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके जाए। और मैंने जो है जयपुर का एक और अनएक्सप्लोर कॉन्टेंट अगर आपने एक्सप्लोर किया है तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना जयपुर का ऐसा अनएक्सप्लोर कॉन्टेंट देखने के लिए।